हेलो बच्चों, मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास पार्ट दो यूरोप और भारत के बारे में पढ़ने वाले हैं। बच्चों, हमारे देश का नाम क्या है? अच्छा, हमारे देश का नाम भारत है। तो आज हम भारत, यूरोप और भारत इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आधुनिक कालखंड मैंने बताया था। आधुनिक कालखंड जो हमारा है, यूरोप में होने वाली घटित घटनाओं का परिणाम हमारे भारत पे पड़ा। यूरोप में जो जो घटना घटी उसका परिणाम हमारे भारत पे पड़ा। इसलिए आधुनिक भारत के ऐतिहासिक काल का अगर हम अध्ययन करते हैं तो यूरोप में जो घटना घटी उसका भी अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यूरोप में जो घटना घटी उसका परिणाम हमारे भारत पे पड़ा। पुनर्जागरण युग। पुनर्जागरण से तुम क्या समझते हो बच्चों? पुनर्जागरण का मतलब होता है कि पूरे धर्म में सुधार, लोगों में सुधार, भौगोलिक खोज, ये सब होने के कारण पुनर्जागरण हुआ। यूरोप के इतिहास में मध्य युग के अंतिम चरण यानी 13वीं से लेकर 16वीं शताब्दी के बीच का जो युग होता है उसको हम पुनर्जागरण युग कहते हैं, क्योंकि ये जो शताब्दी है ये पुनर्जागरण युग के रूप में जानी जाती है, क्योंकि इस समय लोगों में जनजागृति उत्पन्न हुई, धर्म सुधार आंदोलन हुआ, भौगोलिक खोज हुआ, जिसके कारण इसको पुनर्जागरण युग कहते हैं। पुनर्जागरण युग में यूरोप कलाओं, स्थापत्य, दर्शन शास्त्र, ग्रीक, ये सभी जो रोमन परंपराएं फिर से पुनर्जीवित हुई। यानी हमारे पुनर्जागरण युग में जो कला है, स्थापत्य, दर्शन शास्त्र है, इसमें रोमन परंपरा और ग्रीक ये जो परंपराएं थी फिर से आ गई। और अच्छा बच्चों, स्थापत्य का मतलब जानते होते? स्थापत्य का मतलब होता है जैसे कोई भी महल या किला या गुफा, ये सबको स्थापत्य करते हैं। दर्शन शास्त्र, तुम इतिहास, भूगोल, विज्ञान, ये सारे विषय पढ़ते हो, लेकिन दर्शन शास्त्र तुम्हारे लिए नया शब्द है। दर्शन शास्त्र कभी तुमने पढ़ा है क्या? नहीं, ठीक है। दर्शन शास्त्र का मतलब होता है जो हमारे देश के बड़े बड़े समाज सुधारक, विचारक, जैसे रूसो हो गए, महात्मा गांधी हो गए, रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, उन्होंने अपना क्या मत दिया है, अपना क्या विचार है, उसको दर्शन शास्त्र विषय में पढ़ाया जाता है। तो दर्शन शास्त्र मतलब उनका विचार, उनका उपदेश और उन्होंने क्या बातें बोली है, तो उस पर उसी को दर्शन शास्त्र कहा जाता है। तो दर्शन शास्त्र यानी पुनर्जागरण युग में यूरोप की में कला में परिवर्तन हुआ, स्थापत्य में और दर्शन शास्त्र में, सभी में ग्रीक और यूनानी परंपरा पुनर्जीवित हो गई और इसके कारण पूरी तरह से प्रगति होने को प्रेरणा मिली। पुनर्जागरण युग में मानव का महत्व प्राप्त हुआ, मनुष्य का जो मनुष्य की ओर की देखने का नजरिया था वो भी, उसमें भी बहुत सारा बदलाव हुआ। धर्म के बदले, पहले मनुष्य धर्म को ज्यादा मानता था, लेकिन ये सब धर्म के बदले अब मनुष्य के विचारों का केंद्र बना। यानी कोई भी चीज है, जैसे मानवतावादी केंद्र बना, कुछ भी चीज है तो मनुष्य को पहले महत्व दिया जाने लगा। पुनर्जागरण आंदोलन में जीवन में सभी क्षेत्रों में व्याप्त किया। पुनर्जागरण आंदोलन में मानव का जितना भी क्षेत्र है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में पुनर्जागरण आंदोलन आया। ज्ञान विज्ञान कला के क्षेत्रों में आंदोलन हुआ। मानवीय भावनाओं को अच्छी तरह से व्यक्त किया जाने लगा। मानवीय भावना और संवेदन को व्यक्त किया जाने लगा। भाषा और प्रादेशिक भाषाओं में साहित्य लिखा जाने लगा। प्रादेशिक भाषा का मतलब क्या होता है? अलग अलग भाषाओं जैसे जैसे हिंदी, मराठी और गुजराती, पंजाबी, बंगाली, ये सब प्रादेशिक भाषा में। पहले क्या रहता था, या तो इंग्लिश भाषा में लिखा जाता या संस्कृति भाषा में, जिसे लोगों को समझ में नहीं आता था, लेकिन जब प्रादेशिक भाषा में लिखा जाने लगा तो सभी को किताबें समझ में आने लगी, जो लिखा है वो समझ में आने लगा और इससे ज्ञान का विस्तार हुआ और
1450 में जर्मनी के जोहान्स गुटेनबर्ग में एक छपाई यंत्र का आविष्कार हुआ। छपाई यंत्र का आविष्कार होने से और ज्यादा मात्रा में किताब छपने लगी और इस तरह से ज्ञान का विस्तार हुआ। लोगों में जागृति उत्पन्न हुई, लोगों में अंधविश्वास वगैरह कम होने लगा, लोग पढ़ने लगे, समझने लगे। छपाई यंत्र के होने से नई विचार, नई संकल्पना और नए ज्ञान का प्रचार प्रसार सभी वर्गों तक होने लगा। ऐसा नहीं कि जो पढ़े लिखे विद्वान है या पंडित है या बड़े जाति के उन्हीं को समझ, बल्कि आम जनता को भी वो समझ में आने लगा, सभी वर्ग को मालूम पड़ने लगा। लियोनार्डो द विंसी, लियोनार्डो द विंसी ये एक सर्वगुण संपन्न व्यक्ति थे। पुनर्जागरण युग में इनको सर्वगुण संपन्न व्यक्ति माना जाता था। क्यों माना जाता था? क्योंकि इनको बहुत सारे शास्त्रों और कलाओं में पारंगत थे। कला जानते हो ना, चित्रकला, हस्तकला, संगीत कला, सभी चीजों में ये निपुण थे। अभी हम किसी के पास जाते तो एक ही चीज का जैसा भी एक उदाहरण, अगर वो कोई हार्ट का डॉक्टर है तो आपका ऑपरेशन कर सकता है क्या? क्योंकि उसको हार्ट की ही जानकारी हो, आपके बारे में इलाज नहीं कर सकता है। तो इसी प्रकार कान के डॉक्टर रहेगा, उसको बोलेंगे दिमाग हड्डी का डॉक्टर बन जाओ तो नहीं कर सकता है। तो वो अभी आज के लोग सिर्फ एक दो कलाओं में निपुण हो सकते हैं, लेकिन ये लियोनार्डो द विंसी ऐसे व्यक्ति थे जो सर्वगुण संपन्न व्यक्ति थे। उनको कई तरह के कलाओं से वो अवगत थे, उनको जानकारी थी। शिल्प कला, स्थापत्य कला, गणित, अभियांत्रिकी, संगीत, खगोल, ये सभी विषयों पर उनका असाधारण अधिकार था। उनको ये सारी चीजें अच्छी तरह से आती थी, लेकिन सबसे ज्यादा उनको प्रसिद्धि जो है चित्रकारी में मिली। उन्होंने मोनालिसा और द लास्ट सपर एक चित्र बनाया था। ये चित्र बहुत ही प्रसिद्ध हुई। मोनालिसा चित्र में एक युवती एकदम अच्छी तरह से मुस्कुराती हुई युवती का चित्र है। उसमें जो चित्र में जो रेखाटन है वो बहुत अच्छी तरह से किया गया, इसलिए पहला चित्र था जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। धार्मिक सुधार आंदोलन, स्वतंत्र बुद्धि और विवेकशील से विचार करने वाले विचार को, जो यूरोप में जो पढ़े लिखे थे विवेकशील व्यक्ति थे, उन्होंने कैथोलिक चर्च में जो धार्मिक परंपराएं और कैथोलिक चर्च थे वो संकल्पना का इन्होंने बहुत निंदा की, बुराई की, क्योंकि उनका लगता है कि ये सब ईसाई धर्म गुरु लोग जो आम जनता है उनकी अज्ञानता का लाभ उठा के कर्मकांड का ढोल पीटते हैं, जबरदस्ती उनको धर्म के नाम पे लूटते हैं। इसके लिए इन्होंने विरोध प्रारंभ किया, आंदोलन किया, और इसी आंदोलन को धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। धर्म सुधार आंदोलन करने से क्या हुआ, लोगों के मन में जागृति आई कि ये जो धर्म गुरु लोग है ये हमसे ज्यादा पैसा लेकर और धर्म के नाम पर हमसे ज्यादा कर्म कांड करवा कर हमसे हमारा वो करते हैं, हमको हमारा नुकसान कर रहे हैं या हमको लूट रहे हैं। तो ये बात लोगों को समझ में आई और इसी को धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। इस आंदोलन के फलस्वरूप धार्मिक क्षेत्र में मनुष्य की जो स्वतंत्रता थी और बुद्धि प्रवणता को महत्व प्राप्त हुआ। मनुष्य को ऐसा लगने लगा कि हमें जो चाहिए वो धर्म हमें अपनाना चाहिए, जो एकदम सही हो, अपने दिमाग के बल पर जो उनको सही लगता वही धर्म वो अपनाते थे। इसलिए मनुष्य के स्वतंत्रता और बुद्धि प्रवणता को महत्व प्राप्त हुआ। भौगोलिक खोज, 1453 में ओटोमन तुर्कों ने एक बांजेटाइन साम्राज्य की राजधानी थी कॉन्स्टेंटिनोपल, उसको उन्होंने जीत लिया। ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल जो राजधानी थी, ये जो नगर है वो एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला व्यापारिक मार्ग था और तुर्कियों ने उसको जीत लिया। जीतने का कारण उन्होंने यूरोप से आने जाने वाले एशिया में जो यूरोपीय लोग आते थे तो उनको आने जाने का रास्ता उन्होंने बंद कर दिया। तो यूरोपीय देशों को ऐसे लगने लगा कि अब क्या करें, हम अपना व्यापार कैसे करें। तो उन्होंने नए मार्ग खोजने की उनको आवश्यकता अनुभव होने लगी। इस तरह भौगोलिक खोजों का भी नया युग आरंभ हुआ। भौगोलिक खोज हम समझेंगे, 15वीं शताब्दी में यूरोप में जब नए मार्गों की खोज हो रही थी तो नए जल मार्ग की खोज करने के लिए सबसे पहले पुर्तगाली नाविक बार्थोलोमियो डायस 1487 में
वह भारत की खोज कर लेकर ये निकल पड़ा, लेकिन वह अफ्रीका के दक्षिणी छोर केप ऑफ गुड तक ही पहुंचा। उसके बाद फिर दूसरा नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में निकला पश्चिम दिशा से। वो भारत की खोज करते करते भारत को नहीं खोज पाया और अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट पे पहुंचा। उसके बाद 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को द गामा अफ्रीका के दक्षिणी छोर की परिक्रमा करते हुए भारत के पश्चिमी तट के कालीकट बंदर पे पहुंचा। कहने का मतलब है भौगोलिक तुर्कों ने बंद कर दिया। तुर्कों ने बंद करने के बाद उनको आवश्यकता अनुभव होने लगी, तो पुर्तगाली लोग ने नाविक को पुर्तगाली नाविक बार्थोलोमियो डस कोलंबस और वास्को द गामा ये सभी लोग भारत की खोज करने निकले। लेकिन बार्थोलोमियो अफ्रीका पहुंच गया, कोलंबस अमेरिका पहुंच गया, लेकिन लास्ट में वास्को द गामा ही ये पुर्तगाली नाविक था, यह भारत के पश्चिमी तट कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। पुनर्जागरण युग में जो परिवर्तन आया और उसके फल स्वरूप यूरोप की यात्रा जो है मध्य युग से आधुनिक युग की ओर प्रारंभ हुई। पुनर्जागरण युग में परिवर्तन आने से क्या हुआ, मध्य युग से हम लोग आधुनिक युग में आधुनिक युग की ओर प्रारंभ हुआ। इसी कालखंड में यूरोप में वैचारिक क्रांति हुई। जो लोगों के अंदर अज्ञान और अंधश्रद्धा थी उससे समाज जो है मुक्त होने लगा। जो पुरानी पीढ़ी मान्यता थी वो सब कम हो के लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ और इसी सभी विकास को वैचारिक क्रांति कहा जाता है। लोगों का विचार बदला, इसी को वैचारिक क्रांति कहा जाता है। वैचारिक क्रांति के कारण विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे अनुसंधान और खोज हुए। राजनीतिक क्षेत्र में क्रांति, आधुनिक युग के प्रारंभिक चरण में राजनीतिक भी परिवर्तन हुए। ये परिवर्तन 18वीं और 19वीं शताब्दी में जो क्रांतिकारी घटनाएं घटित हुई इस सभी को क्रांति युग कहा जाता है। ये आसारे आधुनिक युग में हुए 18वीं और 19वीं शताब्दी में। इस कालखंड में इंग्लैंड में संसदीय लोकतंत्र का विकास हुआ और कैबिनेट प्रणाली में बदलाव आया और 1989 में बिल ऑफ राइट्स बनने के कारण जो राजा के अधिकार थे वो संकुचित हो गए। राजा को पहले पूरी अधिकार थे, वो किसी को भी दंड दे सकता था, किसी को भी कुछ भी कर सकता था। राजा सबसे पहला नागरिक माना जाता था और वो मनमाना बर्ताव कर सकता था। लेकिन बिल ऑफ राइट्स बनने के कारण राजा के जो अधिकार थे वो कम हो गए और संसद जो है हमारे यहाँ स्थापित हुई। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध, यूरोप में जो क्रांतिकारी गतिविधि घटित हुई उस पर स्वतंत्रता युद्ध का विचार करना बहुत ही आवश्यक था। अमेरिका महाद्वीप की खोज हुई, मतलब सभी को मालूम है कि अमेरिका महाद्वीप की खोज हुई और सभी यूरोपीय देशों का ध्यान जो है आकृष्ट हुआ अमेरिका की ओर। क्यों आकृष्ट हुआ, सभी में होड़ मची हुई थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा व्यापार करूं, मैं आगे बढ़ूं, ऐसा लोगों के मन में। इसीलिए जो अमेरिका महाद्वीप की खोज होने के पश्चात सभी महाद्वीप के लोगों का ध्यान इसकी तरफ आकृष्ट हुआ, अमेरिका की तरफ। तो इसलिए अमेरिका ने यहाँ पर व्यापार करने की दृष्टि से यहाँ पर अपने 13 उपनिवेश स्थापित किए। पहले तो अंग्रेज ने या इंग्लैंड ने जो उपनिवेश पे उनका अधिकार था खाली नाम मात्र का अधिकार था, लेकिन बाद में जब उसका इंग्लैंड का अमेरिका पे पूरी तरह से अधिकार हुआ तो वह उपनिवेश पर यानी अमेरिका पे कठोर दंड और कर लादना शुरू कर दिया। और अमेरिका का ये कठोर दंड और ये लादने के कारण क्या हुआ कि वहां के जनता इसकी विरोधी हो गई। वो वहां की जनता स्वतंत्रता चाहती थी, उनको ऐसा लगता था ये अमेरिका ये इंग्लैंड हमारे ऊपर जबरदस्ती कर लाद रहा है, तो इसके लिए उन्होंने इसका विरोध किया और इसके लिए विरोध किया इसके लिए उन्होंने
उसका विद्रोह किया और विद्रोह का नेतृत्व जॉर्ज वाशिंगटन ने किया। अपनी सैन्य शक्ति को लेकर इंग्लैंड के साथ युद्ध किया और युद्ध करने के बाद अमेरिका के जो जनता थी वो जीत गई और अमेरिका में अमेरिका स्वतंत्र हो गया। और ये जो 13 उपनिवेश थे इनको सभी को मिलाकर आज का जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका राष्ट्रसंघ है उसका उदय हुआ। और इसमें संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थान दिया गया। फ्रांस की राजतांत्रिक 1789 में फ्रांस की जनता ने वहां के राजा यानी फ्रांस का जो राजा था निरंकुश था और अन्यायी था और इसलिए वहां की जो प्रजा थी उन्होंने अपने राजा के विरुद्ध विद्रोह किया और उनसे विद्रोह करने के बाद जनता जीत गई और राजा हार गया, राजा मारा गया और वहां पे गणतंत्र स्थापना हुई यानी ये लोगों का शासन स्थापित हुआ। इसलिए ये जो फ्रांस की राजक्रांति की जो घटना है ये हमारे ये जो घटना है ये विश्व में स्वतंत्रता समानता और बंधुता जैसा जो मूल्य हमको दिया है आज भी हमारे जो संविधान में इन मूल्यों को समाहित किया गया है। विश्व के इतिहास में राजनीतिक क्रांति हुई उसमें फ्रांस की राज्य क्रांति को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। विश्व में 3 क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण थी, पहला अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध, दूसरा फ्रांस की राज क्रांति, तीसरा औद्योगिक क्रांति। पहला जो क्रांति है अमेरिका का तो उसमें एक देश ने दूसरे देश पर उपनिवेश स्थापित किया और वहां पे साम्राज्य स्थापित किया और उस पर जबरदस्ती ज्यादा टैक्स का बोझ देने लगे, जबरदस्ती वहां पे अत्याचार करने लगे। तो इसके कारण वहां की जनता परेशान होकर इंग्लैंड के विरुद्ध विद्रोह की यानी एक देश ने दूसरे देश में विद्रोह किया। फ्रांस की राजक्रांति में थोड़ा अलग था, यहाँ की जनता ने अपने ही राजा के विरुद्ध विद्रोह किया। लेकिन औद्योगिक क्रांति इससे भी अलग थी, इसमें यह अलग थी कि उद्योग में क्रांति आई। यहाँ पे जनता और मतलब राजा या किसी से लड़ाई या युद्ध नहीं हुआ, ये उद्योग में जो बदलाव हुआ उसको औद्योगिक क्रांति कहते हैं। औद्योगिक क्रांति यानी पहले के उद्योग में बहुत बड़ा परिवर्तन होना। फ्रांस की राज क्रांति में भी पहले का जो निरंकुश शासन था उसको हटा के वहां पे लोकतंत्र स्थापित करना, यहाँ पे भी पूरी तरह से बदलाव हुआ। अमेरिका में भी पूरी तरह से बदलाव हुआ। तो जो बदलाव होता है उसी को हम क्रांति कहते हैं, औद्योगिक क्रांति। 18वीं शताब्दी के बाद औद्योगिक क्रांति में परिवर्तन, औद्योगिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन यानी बहुत ज्यादा परिवर्तन होने लगा। वाष्प शक्ति पर चलने वाले यंत्रों की खोज हुई और यंत्रों की खोज होने के बाद उत्पादन बढ़ने लगा। घरेलू उद्योग धंधे के स्थान पर बड़े बड़े कारखानों ने ले लिया यानी जो छोटे छोटे उद्योग थे जैसे बर्तन बनाना, कपड़ा बनाना, चमड़े का उद्योग, ये सभी छोटे छोटे उद्योग थे। लेकिन ये सभी के जगह पे जब यंत्र आया तो यंत्रों द्वारा ज्यादा मात्रा में माल बनने लगे यानी कारखानों ने ले लिया। हाथ करघा के स्थान पे बिजली के करघा आ गई, उसपे कपड़ा बनने लगा। पहले हाथ करघा में दिन भर में आदमी 50 मीटर भी बना नहीं पाता था, यंत्र करघा आने के कारण हजारों मीटर कपड़ा बनने लगे। रेल यान, जल यान, यातायात के नए साधन आए और यंत्र युग का जन्म हुआ और इसी को हम औद्योगिक क्रांति, क्योंकि उद्योग में बहुत ज्यादा बदलाव आया। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ, बाद में धीरे धीरे पूरे विश्व में फैलती गई और इंग्लैंड औद्योगिक रूप से इतना संपन्न हो गया, इतना पैसे वाला हो गया, इसलिए इंग्लैंड का वर्णन विश्व के कारखाना के रूप में किया जाए। यहाँ ज्यादा से ज्यादा माल तैयार होने लगा, ज्यादा से ज्यादा यंत्र बनने लगे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, विश्व का कारखाना। सबसे पहले क्रांति कहाँ प्रारंभ हुई, इंग्लैंड में, और इंग्लैंड को ही विश्व का कारखाना कहा जाने लगा।